गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। चैप्टर चल रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 है और 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। वो यूँ कह रहा है कि ये जो बैलून है ये ग्राउंड है बच्चों, नीचे यहाँ से बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है और बैलून जो हवा में मूव कर रहा है, तो जब और ये जो ऑब्जर्वर हैं, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल जो है इसकी हाइट है 1.2 मीटर बच्चों, तो ये इसको जब देखती है ग्राउंड से इसकी और इसकी हाइट 1.2 है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब उसको ऑब्जर्व करती है तो ये एंगल एलिवेशन एंगल 60 डिग्री कहाँ से, आई लेवल से है ना, ये हाइट इसकी माइनस करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 60 यानी ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया, ये ग्राउंड है और ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया, ये दोनों पैरेलल होते हैं, तो फर्स्ट ट्राइंगल बन रहा है आपका ये 60 डिग्री वाला जिसमें एलिवेशन एंगल 60 डिग्री किसको, बैलून को जब ये देख रही। कुछ समय बाद जब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, तो ये बैलून हवा से कुछ और आगे बढ़ जाता है, तो कुछ समय बाद जब ये ऑब्जर्व करती है तो यह एंगल 30 डिग्री बन जाता है, एलिवेशन एंगल कहाँ से, हॉरिजेंटल लेवल से, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो दो ट्राइंगल बन गए, एक 60 डिग्री वाला एक 30 डिग्री वाला है ना। दोनों में पंडित बद्री प्रसाद से फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसमें आपको ध्यान क्या देना है बच्चों कि ये जो हाइट 1.2 मीटर जो गर्ल्स की हाइट थी, क्योंकि ये ग्राउंड से नहीं, इसके आई लेवल यानी हॉरिजेंटल लाइन से हम इसकी हाइट मेजर करेंगे, तो ये 1.2 इसमें से माइनस कर देंगे तो 87 हो जाएगी बैलून की हाइट कहाँ से, इसकी आई लेवल से। तो हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है हमको बच्चों। बैलून यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये इसका वैल्यू निकालना है हमको। तो देखिए चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर ये नोट किया हमने क्या कि लेट ए एफ जो हाइट है किसकी, उस टॉल गर्ल की है ना, तो 1.2 मीटर हाइट, फिर आपने डी जी मतलब ये बैलून की ग्राउंड से जो हाइट है वो 88.2 मीटर है, तो हम जब सवाल हल करेंगे बच्चों तो ये हाइट चाहिएगी हमको, ये माइनस हो जाएगी तो ये 87 हो जाएगी, 88.2 में से 1.2 माइनस करके ये 87, तो ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी 87 होगा, और आपके लिए दो ट्राइंगल बन गए है ना, तो क्या है एक ट्राइंगल हो जाएगा 60 डिग्री के लिए बनेगा, तो 60 डिग्री के लिए ए एफ ई इस ट्राइंगल में पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला लगाएंगे और हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से नंबर वन इक्वेशन निकालेंगे। फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे 30 डिग्री के लिए ए सी डी यहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका डी सी और बेस हो जाएगा ए सी यानी एक्स प्लस वाई, ये डिस्टेंस हमको निकालना है वाई और इधर का भी हमने एक्स सपोज कर लिया बच्चों है ना, तो ये तो इतना हमने फॉर्मेलिटी कंप्लीट की यानी फिगर बना लिया, तो आपका लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसमें, मुझे करेक्ट फिगर बना लिया। तो अब देखिए हमने ट्राइंगल लिया, पहले दो एंगल है दोनों एंगल पर जाके खड़े हो जाइए और पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो हम किस में खड़े हो गए 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंगल बन रहा है, ट्राइंगल जो बन रहा है ए बी ई ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस पंडित बद्री प्रसाद से क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद से परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में आता है, तो हम यहाँ जो अप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे, टेन कितना डिग्री आएगा बच्चों, 60 डिग्री
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इंप्लाइज टेन थर्टी ए सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है यहाँ पर खड़े हैं ए पर और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हुआ ई बी, ई बी मतलब 87 और बेस हुआ एक्स, तो एक्स इधर चला गया है तो रूट थ्री इंटू एक्स इज इक्वल टू 87 और आगे सॉल्व किया तो एक्स इज इक्वल टू 87 बाय रूट थ्री। इसको आप नंबर वन डाल दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस सिर्फ आपको फिगर बनाना रहता है बच्चों। केस सेकंड लेते हैं बच्चों। केस सेकंड में कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो क्या लिख देंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल देखिए 30 डिग्री वाला कौन सा बन रहा है, ए डी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये, ठीक है ना, तो ए डी सी 30 डिग्री के सामने क्या है, देखिए 30 डिग्री के सामने भुजा है डी सी, डी सी परपेंडिकुलर हो गया और बेस ए सी होगा एक्स प्लस वाई, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है टेन में आता है, तो टेन कितना डिग्री लिखेंगे हम, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इम्प्लाइज टेन 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 87 ही है बच्चों और बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इधर जाएगा बच्चों और ये 87√3 आ गया। इसको आप नंबर टू दे दीजिए। बस आपका सवाल लगभग हो गया बच्चों। क्या करिए, x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो y का वैल्यू निकालना आ जाएगा हमारा, तो क्या नोट कर लेंगे हम यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 87√3 इन इक्वेशन टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 है ना, ये नंबर दो है ना, पुटिंग x इक्वल टू 87√3, तो दिस इम्प्लाइज हो गया 87√3 किसकी जगह रख दिया, x की जगह 87√3, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। देखिए सॉल्व किया तो 87 मैंने कॉमन ले लिया बच्चा, तो यहाँ बच्चा √3 माइनस 1/√3, इसका भी एलसीएम ले लिया तो y इक्वल टू 87√3 का तो ये हो जाएगा 3 - 1/√3 और सॉल्व किया तो 87 × 2/√3, नीचे रूट नहीं रखते बच्चों तो रैशनलाइज कर देते हैं, यहाँ से सिंपल है आप लोग हल कर सकते हो इसको, तो यहाँ से आ गया बच्चों नीचे हो गया आपका 3, ये आ गया 87 × 2 × √3। इसको और आगे सॉल्व कर लिया तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, रैशनलाइज करने पर नीचे 3 मिल गया हमको इन दोनों, तो 3 से 87 को डिवाइड करेंगे 29 टाइम्स गया, 29 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 58√3 मीटर, ये फाइनल आंसर आ गया किसका, वाई वाई यानी बैलून के द्वारा डिस्टेंस जो कवर की गई 60 से 30 डिग्री एंगल जो बना ना एलिवेशन, तो यहाँ पर लास्ट में और हमने एक लाइन लिख दी, द डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून इज इक्वल टू 58√3 मीटर। एक बार और समझ लीजिए, देखिए बच्चों बस आपको सिर्फ फिगर से ही पूरा क्वेश्चन समझ में आया, वो कह रहा है कि एक बैलून है जो कितनी ऊंचाई पे 88.2 मीटर ग्राउंड से 88.2 ऊंचाई पे उड़ रहा है
और जहाँ पर कोई एक व्यक्ति ग्राउंड में एक लड़की है जो 1.2 मीटर टॉल जिसकी हाइट दे रखी है, तो वो उसके आई लेवल से इसको ऑब्जर्व करती है, तो पहले एक 60 डिग्री का एंगल बनता है। कुछ समय बाद फिर वो उसका एंगल बनता है, बैलून आगे बढ़ जाता है तो 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ से दो ट्राइंगल बनते हैं, एक में 60 डिग्री का एक्यूट एंगल बन रहा है, एक में 30 डिग्री का एक्यूट एंगल बन रहा है। दोनों के लिए पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, लेकिन इसमें ध्यान सिर्फ इतना देना है कि हाइट जो ग्राउंड से 88.2 थी तो 1.2 माइनस कर लेंगे, तो ये हाइट 87 लेंगे दोनों, और ये दोनों पैरेलल है, इक्वल हाइट है, तो ये भी 87 होगा। दोनों ट्राइंगल में पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला अप्लाई किया, तो पहले वाले में टेन 60 लगाया, 60√3 होता है टेन, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 87/√3 आ गया बच्चों। सेकेंड हमने केस लिया 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए तो टेन 30 PB यानी 1/√3 87, और बेस हो गया एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट का वैल्यू रख दिया यहाँ पर और इसको सॉल्व किया, तो वाई का वैल्यू हमारे पास आ गया 58√3 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी भी है, आप इसको अगर एक बार और देखना चाहें तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।